सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक था आपका फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस इट दैट व्हेन ए पर्सन हैज डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग ए पर्टिकुलर फूड। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी उसमें डाइजेशन में डिफिकल्टी आती है, उसे हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द फूड इंटॉलरेंस मीन्स व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली, जिसमें आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपरली। फूड इंटॉलरेंस इज ऑफ्टन कंफ्यूज विद फूड एलर्जी, हाउएवर बोथ आर डिफरेंट। फूड इंटॉलरेंस लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डाइजेशन, वेयर एज लीड एलर्जी इज रिलेटेड विद इम्यून सिस्टम। इट शो द सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग हो जाना, पेन इन जॉइंटों में पेन होना, हेडेक, सर में दर्द होना। तो ये फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन ए बैलेंस्ड डाइट। लैक ऑफ एनी कंपोनेंट्स मे कॉजेज एनी डिजीज एंड डिफिकल्टी इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपका कोई भी एक भी कंपोनेंट्स बैलेंस्ड डाइट का रह जाता है तो उसमें क्या, या तो आपको कोई डिजीज हो जाएगी या आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफिकल्टी आएगी, ग्रोथ रुक जाना या डेवलपमेंट का रुक जाना। इसे कहते हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। अब है आपका कंपोनेंट्स ऑफ डाइट न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव में आपके आते हैं फोर, जैसे प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन न्यूट्रिटिव में आ जाते हैं फाइबर्स, वाटर। बाकी मैंने आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, आपका प्रोटीन्स भी, फैट भी, मिनरल्स भी, विटामिन भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी और वाटर भी। अब बचता है हमारा फाइबर्स। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आता है आपका फाइबर्स और वाटर। वाटर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। अब है आपका नॉन न्यूट्रिटिव, जो आपका फाइबर बचा है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर दोज कंपोनेंट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज। जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जो भी हमारे सिस्टम को प्रॉपरली इससे चलता है फाइबर्स, जो हमारा वर्किंग होता है। अब देखिए फाइबर्स, फाइबर्स हैज नॉन न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज, हैंस इट इज इंक्लूडेड इन द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। इट इज अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, जो हमारा डाइजेस्टेड इजीली नहीं हो पाता। इट हेल्प टू क्रैक द डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी हमारे डिसऑर्डर होता है उसे करेक्ट करने का काम करता है फाइबर्स। फाइबर्स इज हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। जो फाइबर होते हैं, जैसे हमें हार्ट प्रॉब्लम होती है उसमें क्या करता है, डिक्रीज करता है, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जब हमें कोई हार्ट अटैक होता है वो उसमें फाइबर हमें बेनिफिशियल होता है। द प्रिवेंटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स आर फ्रेश फ्रूट्स, रूट्स एक्सेट। फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जैसे आपने कोई भी फ्रूट से पेड़ से तोड़ा और डायरेक्ट खाया। रूट्स जैसे जड़ें, जैसे आपका कैरेट, मूली एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल का बेसिस होता है। उसमें क्या होता है, एक आपका बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें होता है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका होता है बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट। देखो बेसिक तो हर एक किसी को रिक्वायरमेंट होती है, हर एक पर्सन को, और एक्स्ट्रा एनर्जी जैसे हार्ड वर्कर है या स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए हम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट की
जरूरत होती है। टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट। टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू बीईआर प्लस ईईआर। बेसिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1.3 कैलोरीज इनटू बॉडी वेट इनटू आवर। अगर हमने किसी की बेसिक एनर्जी निकालनी है तो 1.3 कैलोरीज इनटू बॉडी वेट, जो भी उस पर्सन के अंदर बॉडी वेट होगा आवर। आपको एक दिन की निकालनी है तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 डेज की निकालनी तो 48 से कर देंगे, अगर 2 आवर्स की निकालनी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज जैसे 1.3 कैलोरीज इनटू बॉडी वेट 50 है, इनटू 2 से अगर हम 2 आवर्स की निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब हम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट लेते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है ईईआर 8.5 कैलोरीज इनटू बॉडी वेट इनटू आवर। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, बस यहां आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी कैलोरीज की जो मात्रा होती है वो अलग होती है, 8.5 कैलोरीज इनटू बॉडी वेट इनटू आवर। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, 8.5 कैलोरीज इनटू बॉडी वेट अगर 50 केजी है, इनटू अगर 2 घंटे की हमें कैलोरीज निकालनी है तो 2 से, अगर हमें 1 डेज की निकालनी है तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका टोटल एक्स्ट्रा एनर्जी वाला। अगर टोटल पूछी जाती है, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट बीईआर प्लस ईईआर। बेसिक हमने निकाली थी 1.3 इंटू जो भी आया आंसर हमारा, और प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी आंसर आ जाएगा टोटल एनर्जी। अगर सिर्फ बेसिक पूछेंगे तो सिर्फ हमें बेसिक का फॉर्मूला यूज करके सिर्फ आपको 1.3 कैलोरी जो बेसिक की है ये लर्न करना होगा। बाकी क्वेश्चन पेपर में आपको बॉडी वेट भी दिया जाएगा, आवर्स भी दिया जाएगा। फिर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी में सिर्फ 8.5 कैलोरीज ये लर्न करना है, बाकी आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन मिलेगा। यह आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।